उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली ऊपर जाकर और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर, तो यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में भी मेंशन हो गई है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस इसमें भी मेंशन हो गई, यानी कि दोनों में मेंशन हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हो गया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी कि कैसे आप अगर एक पीएफ अकाउंट होल्ड रहे हैं और आपने कंपनी छोड़ दी है तो कैसे आप खुद से जो है अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दो तरीके हैं डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के। पहला तो ये कि आप जो अपनी कंपनी से आपका जो नियोक्ता है उससे अपडेट मार्क करवा सकते हो डेट ऑफ एग्जिट। दूसरा ये, अगर आपकी कंपनी नहीं कर रही है, कंपनी के ताला लग गया है, कंपनी बंद हो गई है, तो आप खुद से भी आप जो है अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मार्क अपडेट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, आप खुद से या फिर आपकी कंपनी तभी डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकती है आपके पीएफ अकाउंट में, 2 महीने से अगर आपका पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हो रहा हो तभी, यानी कि 2 महीने से कोई भी कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में अगर जमा नहीं हो रहा है, 2 महीने हो गए आपको नौकरी छोड़ो है, 2 महीने से पीएफ का पैसा जमा नहीं हो रहा, तो आप खुद से या फिर आपकी कंपनी जो है डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकती है। और डेट ऑफ एग्जिट मार्क करने के बाद आप जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 सी अप्लाई करके अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप खुद से मार्क कर सकते हो। उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लिया है। बाकी हर बार की तरह इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर देखकर रिफ्रेश का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और पासवर्ड भूल जाते तो यहां से जो है पासवर्ड रिकवर भी कर सकते हो। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। जब लॉगिन करेंगे तो एक अलर्ट देखने को मिलता है ई नॉमिनेशन को लेकर, इसको कर देते हैं लेटर। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, व्यू पर क्लिक करते हैं और यहां पर सर्विस हिस्ट्री, यहां पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में मेंशन नहीं है, नॉट अवेलेबल आ रहा है। डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस नॉट अवेलेबल आ रहा है। जब आप अपने पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे तो ईपीएफ अकाउंट में और ईपीएस दोनों में मेंशन हो जाती है। अब यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन, मार्क एग्जिट और यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी आ जाती है। तो इनकी एक ही पीएफ मेंबर आईडी है, एक ही आती है। अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और पीएफ का पैसा 2 महीने से जमा नहीं हो रहा है, तो जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में 2 महीने से ज़्यादा हो गया है पीएफ का पैसा जमा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। और जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना है वो यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर दिखा भी देगा कि लास्ट में जो है पीएफ का पैसा कब जमा हुआ था, कंपनी ने कब जमा कराया था, एम्प्लॉयर लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हुआ था नवंबर 2021 में और अभी जो है चल रहा है अप्रैल 2022, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस भी शो हो रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ। अब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के लिए सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, यहाँ पर ये जो महीना है नवंबर 2021 दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी महीना दिखाएगा वही महीना यहाँ पर ओपन होगा, दूसरा महीना ओपन नहीं होगा। तो इसी महीने में आपको अपनी जो है डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करनी है। अगर आपको पता है कि मैंने इस तारीख को जो है कंपनी छोड़ी थी, मेरा लास्ट वर्किंग डे था, तो वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार 14, 15, 16, 17 के बीच में थी तो उसके बाद जो है एक दो डेट छोड़ के कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें खुद से ध्यान से करना, अगर एक बार आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई, गलत मेंशन हो गई, तो फिर आप उसको ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, फिर आपको जो है कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी, ईपीएफओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी कंपनी से साइन मोहर लगवाना पड़ेगा, उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जिट ठीक होगी। तो ये बात आपको जरूर ध्यान देना है। तो आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो या फिर कंपनी से भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर इनका मुझे पता है कि इन्होंने जो है कंपनी छोड़ी थी 9 नवंबर को, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लें, सेम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही नवंबर महीने का कैलेंडर ओपन होगा, तो यहाँ पर सेम डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे कि 9, 10, 11 को ऐसा कुछ लगता है तो आपको जो है वो डेट छोड़ के आगे की 2-3 डेट छोड़ के कोई भी डेट सेलेक्ट
कर लेनी है या फिर उस महीने की लास्ट डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इनका मैं जो है नो था तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट के ऑप्शन में, तो यहाँ पर रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट ले लिया है तो यहाँ पर रिटायरमेंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सुपरनेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप वृद्धावस्था के कारण जो है जॉब नहीं कर रहे हैं, पेंशन के लिए हकदार है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, एक दो साल काम किया छोड़ दिया आपने, कोई नई कंपनी आगे ज्वाइन करेंगे, तो फिर आपको जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सीसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपने किसी कंपनी में दो चार साल काम किया, तो फिर आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। रिटायरमेंट की उम्र होती है 58 ईयर, ठीक है, तो उससे कम है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सीसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, आपको कंसेंट देना रहता है, टिक करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो नीचे पॉइंट्स है ये आपने ढंग से पढ़ लिए, इसमें बताया गया कि भाई गलत होगी तो फिर आप ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, अपनी सही डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कीजिए, ये सब चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा आपने पढ़ लिया पॉइंट, यस नो, अगर नहीं पढ़ा तो नो करके दोबारा पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिया तो यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद सेंडिंग ओटीपी, प्लीज वेट, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का। यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी सेंड टू, और आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट दिखा देगा सक्सेसफुली, प्लीज रिक्वेस्ट अगेन इन केस यू हैव नॉट रिसीव द ओटीपी। ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर देखिए सेकंड चल रहा है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करके जो ओटीपी मंगवा सकते हो। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, एंटर आधार बेस्ड ओटीपी, यहाँ पर जो है 6 डिजिट का जो ओटीपी आता है हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर, वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन करना रहता है। जब यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दें उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, यहाँ पर थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, कैंसिल नहीं करना, पेज को जो है क्लोज भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर आ गया डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है, यानी कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है, अपडेट हो गई है आपके पीएफ अकाउंट में, और यहाँ पर दिखा देगा रीजन यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ दोनों में आ गई है, और यहाँ पर कब जो है यहाँ पर लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कब था, और यहाँ पर अपडेट कौन सी तारीख को जो है अपडेट हुई, यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू पर जाकर और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर, तो यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में भी मेंशन हो गई है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस इसमें भी मेंशन हो गई, यानी कि दोनों में मेंशन हो गई है। अब दोनों में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है खुद से अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन अपडेट यानी कि मार्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिर कि आप सही डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज एक बार अगर गलत डेट ऑफ एग्जिट मेंशन आपने कर दी फिर उसको आप ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए फिर कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें उसी टाइम आप जो है जो डेट ऑफ एग्जिट जो रीजन रहता है वो भी सही आप सेलेक्ट कीजिए। अगर ये दो चीज़ें अगर आप गलत मेंशन कर देते हो तो फिर आप इसको ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, फिर इसके लिए आपको जो है कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी, ईपीएफओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, आपको जो है एक फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा। तो जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट खुद से मार्क करें ध्यान से करना, और डेट ऑफ एग्जिट भी जो है ध्यान से आप जो है सेलेक्ट करना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।